भैया जीवन में बालों का क्या महत्व है, ये जानना हो तो आयुष्मान भैया की बाला पिक्चर देख लीजिए, और जो ना देखे हो हमारी आज की झक आखिर तक मन लगा के देख ले, और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट कर लें। हाँ तो आज चलिए यूपी के इटावा, भैया वरमाला का प्रोग्राम चल रहा था। दूल्हे मियाँ सामने खड़ी दुल्हन को देख के मन ही मन मुस्किया रहे थे। एक अदद दुल्हन के चक्कर में ही 30-32 साल बर्बाद किए सो किए ही, पढ़ाई लिखाई कर डाली सो अलग, लेकिन भैया दुल्हन लजाए शर्माए रही थी। भाई लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। दोनों जयमाल लिए एक दूसरे के सामने आए, दूल्हे मियाँ एकदम भरे पड़े थे, कंट्रोल ना कर पाए, खट से आगे बढ़े और झट से दुल्हन के गले वरमाला डाल दिए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब बारी दुल्हन की थी। दुल्हन ने मेकअप के मारे आधा किलो की हो चुकी पलकों को पूरी ताकत से उठाया, सामने अपने साजन को देख के पहले से लाल गाल और लाल हो गए, लेकिन अचानक दुल्हन कुछ बिदक गई। भीड़ के प्रेशर में जयमाल तो डाल दिया, लेकिन दुल्हन को कुछ मजा नहीं आया। मजा नहीं आ रहा है। उसके दिमाग में सीआईडी का एक ही डायलॉग घूम रहा था, दया कुछ तो गड़बड़ है। तब तक उसकी सहेली आई और चुपके से कान में कुछ कह गई। फिर क्या था, दुल्हन ने पूरे गौर और इत्मीनान से दूल्हे का ऊपर से नीचे तक निरीक्षण किया। असल में दुल्हन को शक हो गया था कि दूल्हा विग लगाए है। अच्छे से जांच पड़ताल हुई, पता चला कि दूल्हे राजा सच में नकली बाल लगाए हैं, असल में तो ये बाला है। बस भैया इधर दूल्हे राजा का विग उतरा, उधर दुल्हन बेहोश, होश आते ही डायरेक्ट शादी से मना कर दिया। पहले तो लोग हल्के में लिए, लेकिन अमित जी एक पिक्चर में बता रहे कि लड़की की ना का मतलब ना है, लड़की वाले भी फैल गए, बोले धोखा हुआ है। दोनों पक्षों में जूतम पैजार की भी नौबत आ गई, लेकिन बुढ़े बुजुर्ग शादी बारातों में केवल दांत निपोरने थोड़े ही जाते हैं, बीच में पड़ के मामला ठंडा कराए। उधर दुल्हन अपने घर वालों को लेके गेस्ट हाउस से निकल ली, और बेचारे दूल्हे राजा हाथों में विग, आंखों में आंसू और दिल में अरमान लिए खाली हाथ ही रह गए। तो भैया जितने भी बैचलर हैं उनको हमारी यानी मिस्टर झक्की लाल की यही सलाह है कि अपनी शादी में जाएं तो विग घर पर ही रख के जाएं। बाकी आपको आज की झक पसंद आई हो तो फौरन वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप सुन रहे थे मिस्टर झक्की लाल, जो बातों बातों में कर देते हैं लाल, इनकी बातों का अंदाज है निराला। सुनते रहिए हाथ में लेके चाय का प्याला, चलते हैं कल फिर होगी मुलाकात, तब तक लड़ाते रहिए झक।